Hello my dear student, a very good morning to all of you. Welcome back to your maths class. Today we are starting our chapter 4 and the name of this chapter is Practical Geometry. So basically naam se hi pata chala hoga ki hum practically karne wale hain geometry ko, aur geometry ko practical karne ke liye aapko pata hai aapko kis kis cheez ki zarurat hoti hai, your pencil, eraser, sharpener, compass, scale and many more things. Well, the very first exercise of this question 4.1 has question number 1, that कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन अ क्वाड्रिलेटरल. आपको एक क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शंस करनी है. कंस्ट्रक्शन करनी है आपको एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की, जिसमें आपको गिवन है लेंथ ऑफ ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इज 4 सेंटीमीटर, ए डी इज 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 7 सेंटीमीटर. बच्चों बिफोर स्टार्टिंग योर कंस्ट्रक्शन, अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले लेट अस ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है इसका हम एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. तो इस रफ स्केच को हम साइड में ही यहीं पर ड्रॉ कर लेंगे कि हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो किस तरह से फॉर्म होकर के आएगा. अब बच्चों लिखा है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्लोज फिगर विथ फोर साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. तो हम एक क्लोज फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ, ये समझ लीजिए कि ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी. ए बी सी डी, ये ए बी सी डी बच्चों आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, जरूर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ए यहीं से स्टार्ट होगा. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर तो आप ए बी सी डी इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट रहेगा ये साइक्लिक ऑर्डर में. ये नहीं कि आपने ए बी यहाँ लिखा है और सी डी आप इधर कर दें, तो ऐसे नहीं करना है आपको. साइक्लिकली ही लिखना है, ए बी देन सी देन डी. ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर जो भी हमारे लेंथ्स हैं उनको हम पुट करेंगे. ए बी इज़ 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि हम जब अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो ए बी लेंथ हम 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे. बी सी इज़ 5.5 सेंटीमीटर, ये हमें 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है. सी डी इज़ 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट का आना चाहिए. ए डी इज़ 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास ए डी है तो इसको हम 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. एंड ए सी इज 7 सेंटीमीटर, और ये जो आपका डायगनल है ए सी, ये हमारे पास एक डायगनल है ए सी, ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. सो इस रफ स्केच की हेल्प से, यहाँ मैं लिख देती हूँ बच्चों, इट इज़ अ रफ स्केच, ये एक रफ स्केच है, और इस रफ स्केच की हेल्प से बच्चों आपको इसका फेयर स्केच यानी कि इसकी फेयर कंस्ट्रक्शन करनी. लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग इट. चलिए इसके लिए हमें क्या होना, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें स्केल की ज़रूरत है, कंपास की ज़रूरत है और एक पेंसिल की ज़रूरत है. कंपास में पेंसिल को अच्छे से लगाने के बाद हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ए बी लेंथ. ए बी लेंथ हमारी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है, तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं. किस तरह से हम अपनी ए बी लेंथ को 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, बच्चे आपने ये स्केल देख रहे हैं, इस स्केल की हेल्प से आपको 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी. तो बच्चों एज यू कैन सी कि हमारे स्केल पर जो लाइनिंग स्टार्ट होती है, नंबरिंग स्टार्ट होती है, वो जीरो से स्टार्ट होती है. सो जीरो टू वन इट विल बी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और हमें जो ड्रॉ करना है वो है 4.5. सो 4 और 5 के बिल्कुल ये जो मिडल में होता है ये होता है 4.5. इसका मतलब आपको इस 4.5 तक ही लाइन ड्रॉ करनी है. सो आप जीरो से लेकर के 4.5 तक एक लाइन स्केच लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन सेगमेंट का नाम लिखेंगे आप ए बी. ए बी लिखने के बाद इसका मेजरमेंट भी आपको लिखना है 4.5 सेंटीमीटर. इसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है बच्चों, बी सी लाइन ड्रॉ करनी है. बी सी लाइन सेगमेंट है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर का. तो हमको क्या करना है बच्चों, इस बार हमें यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है क्वाड्रिलेटरल की ये जो लाइन है 5.5 सेंटीमीटर वाली, ये हो सकता है स्ट्रेट हो या थोड़ी सी ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ये कहाँ पर होगी ये हमें नहीं पता. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर्क लगाएंगे. ठीक है, तो आर्क कितने सेंटीमीटर पर लगाना है हमें, 5.5 पर. आप क्या करेंगे बच्चों, कंपस और इस पेंसिल के बीच में स्केल की हेल्प से जीरो से लेकर के 5.5 तक का डिस्टेंस कवर करेंगे. इसकी हेल्प से आप इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, एक इसके निप जीरो पर रखेंगे और दूसरी निप 5.5. अब आप देख रहे हैं बच्चों 5 ये है और 6 यहाँ पर है, तो 5 और 6 के बिल्कुल मिडल में 5.5 है. यहाँ से लेकर के जीरो तक इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, तो आप जीरो पर रखेंगे और 5.5 पर यहाँ पर दूसरी निप रखेंगे. जब दोनों के बीच में डिस्टेंस आप अच्छे से कवर कर लेंगे, बच्चों देखिए 5.5 को हमने कवर कर लिया है, ये पॉइंट है मेरा जीरो पर और ये पॉइंट है मेरा 5.5 पर.
सो ये 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट इसमें हमने मेजर कर लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, बीसी हमारे पास 5.5 है ना बच्चे, तो बी पॉइंट तो हमें पता है कि एग्जैक्ट बी पॉइंट ये है, बट सी पॉइंट हमें नहीं पता, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या कहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है सी पॉइंट। इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, सी पॉइंट को पहले फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बी पॉइंट एग्जैक्ट हमें पता है, इसलिए बी पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम एक बड़ा सा आर्क लगा देंगे। बड़ा सा आर्क इसलिए लगाया बच्चों, जब ताकि हम जब दूसरा आर्क लगाएं तो ये जहां कहीं भी होगा इंटरसेक्ट हो जाएगा, जहां पर ये इंटरसेक्ट होगा वही हमारा सी पॉइंट होगा। अब बच्चों हमने 5.5 सेंटीमीटर का तो मेजरमेंट का लगा दिया, इसके बाद हमने सी डी ड्रॉ किया था 4 सेंटीमीटर। अब हमें बच्चों सी ही नहीं पता है तो डी तो बाद में ढूंढना है, इसका मतलब सी डी लाइन का तो 4 सेंटीमीटर वाला आर्क हम लगा ही नहीं सकते। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो ए और बी की हेल्प से ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो इसका मतलब सी डी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। बट हियर इज गिवन ए डी, ए डी में देखिए ए पॉइंट आ रहा है और ए एक एग्जैक्ट पॉइंट है, यानी कि ए आपके पास है तो ए डी आप ड्रॉ कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर का। आपको फिर से क्या करना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर जीरो से लेकर के 6 तक आपको डिस्टेंस कवर करनी है। देखिए 5.5 तो थी, हमको थोड़ा सा इसको और बढ़ाना है, सो इट विल बी 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो जाएगा। अच्छे से बच्चों आपको डिस्टेंस कवर करनी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी माइनर सी भी आप गड़बड़ कर दोगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन में कम्प्लीटली फॉल्ट आ जाएगा और आपकी कंस्ट्रक्शन ख़राब हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये 0 से लेकर के 6 तक मैंने 6 सेंटीमीटर इसमें मेजर कर लिया है। ए डी आपने देखा बच्चों, हमने रफ स्केच में देखा था ए डी इधर है, तो ए पॉइंट तो इधर है लेकिन डी पॉइंट का अभी हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ पर होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए पर कंपास रखेंगे और इस साइड पर भी हम एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों आर्क आपस में हमें इंटरसेक्ट नहीं करने, क्योंकि सी और डी दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसलिए इन दोनों को हमें कि बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कराना है, ठीक बच्चों। ए डी हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, ए सी। बच्चों हमें सी पॉइंट तो नहीं मिला है, बट हमें पता है कि ए पॉइंट तो हमारे पास है ना, तो ए पॉइंट की हेल्प से हम 7 सेंटीमीटर का एक और आर्क लगाएंगे। तो चलिए फिर से हम मेजर करेंगे 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, कंपास को फिर से थोड़ा सा ओपन करेंगे और 0 से लेकर के 7 तक की डिस्टेंस हम इसमें कवर कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ए सी 7 सेंटीमीटर है, आपने देखा था बच्चों आपका ए सी जो था वो रफ स्केच में इस साइड था, यानी ए से लेकर के सी की तरफ, तो ए पर आपको कंपास रखना है और सी की तरफ जो ये ऑलरेडी आर्क लगा हुआ है इस आर्क को आपको कट कर देना है। जब ये आर्क यहाँ कट हो जाएगा तो हमें पता लग गया बच्चों कि हमारा सी पॉइंट हमें मिल चुका है। जब आपको सी पॉइंट मिल गया है तो आप क्या करेंगे, बी से सी पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन कराएंगे। अब ये लाइन सेगमेंट हमारा कितने सेंटीमीटर का था, 5.5 का था बच्चों। जीरो से मेजर करके देखिए, ये हमारा जीरो से यहाँ तक 5.5, देखिए बच्चों एग्जैक्ट 5.5 सेंटीमीटर आया है। यहाँ पर हम लिख भी देंगे इट इज़ 5.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बच्चा, बच्चों हम फिर से देखेंगे कि ए बी की मेजरमेंट 4.5 कंप्लीट हो चुकी, बी सी की मेजरमेंट 5.5 कंप्लीट हो चुकी, इसके बाद सी डी 4 सेंटीमीटर था जो कि हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमें सी पॉइंट नहीं पता था। बट बच्चों अब तो हमें सी पॉइंट पता है ना, तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर कंपास रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे किसकी तरफ, डी की तरफ, जो कि इधर कहीं होगा। तो चलिए 4 सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं। अब ये 7 था बच्चों, इसको कुछ कम करना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर के लिए। वही सेम वर्क करना है आपको, 0 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक आपको मेजर करना है। जब आप 0 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक अच्छे से मेजर कर लेंगे बच्चों, तब आप सी पॉइंट पर कंपास रख करके आर्क लगाएंगे। यहाँ हम सी पॉइंट पर कंपास रखेंगे और इस साइड आर्क लगाएंगे। जब इस साइड आर्क लगाएंगे तो ये पहले से लगा हुआ आर्क इंटरसेक्ट हुआ है, इट मींस वी हैव फाइंडेड आउट आर पॉइंट डी आल्सो, हमें डी पॉइंट भी मिल गया है। हम क्या करेंगे बच्चों, सी और डी को ज्वाइन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आफ्टर दिस हम ए और डी को भी ज्वाइन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इनके भी मेजरमेंट लिखेंगे, इट वॉज 4 सेंटीमीटर एंड इट वॉज 6 सेंटीमीटर। एंड ऑफ कोर्स ये जो हमने ए सी के लिए एक डायगोनल ड्रॉ किया था, यानी कि आर्क लगाया था, वो हमारा 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर था। सो हियर इज द फाइनल स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑफ द गिवन लेंथ।
Now the second part of this question is that construct a quadrilateral jump, जिसमें आपको line segments given हैं. So second part of this question you will definitely going to do yourself. I'm going to move on part number 3 where you have to construct a parallelogram more. So here is the third part of this question, parallelogram more. You have to construct a parallelogram more where OR, RE and OE are given. बच्चों क्या करना है आपको, फिर से वही करना है. पहले आप इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. तो पैरेललोग्राम का रफ स्केच किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, लेट अस कंसीडर इट इज़ अ पैरेललोग्राम और जो इसका नेम है वो है MORE. ठीक है बच्चों, ये हमारा MORE एक रफ स्केच हमने ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम का. MO आपको नहीं दिख रहा है बच्चों, इसमें MO गिवन नहीं है. OR आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर. आपको पता है ना बच्चों कि ओपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल. जो पैरेललोग्राम होते हैं उनकी ओपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल मेजरमेंट की भी होती हैं. इसका मतलब अगर आपको OR गिवन है 6 सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिकली यू कैन कंक्लूड दैट द लेंथ ऑफ ME इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. देन RE इज गिवन, RE इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है RE. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब RE 4.5 है इट मींस इसकी ऑपोजिट साइड MO भी 4.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट की ही होगी. एंड वी हैव गिवन अ डायगोनल EO. EO इज अ डायगोनल विच इज 7.5 सेंटीमीटर. एंड वन मोर थिंग यू नो बच्चों कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो इफ EO इज 7.5 सेंटीमीटर इट मींस MR is also of 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, इस स्केच को देख करके, इट इज़ अ रफ स्केच बच्चों, इस स्केच को देख करके आपको पता लग ही गया होगा कि हमने चाहे कैसा भी स्केच बनाया हो बट हमारी जो MO और ER की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर वो RO और EM जो कि 6 सेंटीमीटर की हैं उनसे कम है, जिसकी वजह से जब हम अपना ओरिजिनल स्केच कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें ये दोनों साइड्स छोटी होंगी और ROME साइड्स की लेंथ ज़्यादा है तो वो बड़ी होंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को. सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है बच्चों, जैसे कि हमने कंक्लूजन निकाला ही है तो MO हमारा कितना है 4.5 सेंटीमीटर का है. सो वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. स्केल की हेल्प से हम एक 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, विच इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद वी विल राइट डाउन MO. उसके बाद OR इज ऑफ 6 सेंटीमीटर तो हम 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट स्केल की हेल्प से इसमें ओपन करेंगे इसको 6 सेंटीमीटर तक. और फिर उसके बाद ओ पॉइंट पर आपको कंपास रख करके यू विल मार्क एन आर्क. आप एक मार्क करेंगे आर्क को. ठीक है, एक आर्क आपने मार्क कर लिया है. आफ्टर दैट एम पॉइंट से आपको एक और आर्क मार्क करना है जो कि 6 सेंटीमीटर का अगेन आपको मार्क करना है, क्योंकि आपको पता है दिस वन साइड एंड दिस वन साइड आर ऑलवेज इक्वल. सो जितने मेजरमेंट का आर्क इधर होगा उतने ही मेजरमेंट का आर्क दूसरी साइड भी होगा. एंड डायगोनल आपको एम पॉइंट से जो ड्रॉ करनी है एम आर इट इज़ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. सो आप 7.5 सेंटीमीटर को कंपास और स्केल के बीच में डिस्टेंस कवर करेंगे, कंपास और पेंसिल के बीच में डिस्टेंस कवर करेंगे स्केल की हेल्प से. और फिर आप 7.5 सेंटीमीटर का ये जो आर्क है वो एम पॉइंट से किस साइड मार्क करना है आपको, इस साइड आर की साइड मार्क करना है. सो आप इसको इस तरह से मार्क करेंगे. आपने देखा बच्चों कि ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. आप चाहें तो बच्चों ये जो आपका पहले से लगा हुआ आर्क है जो कि 6 सेंटीमीटर था आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं. तो देखते हैं हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो बेहतर है, वरना ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर ही रहे हैं ना. यहाँ पर हमारा आर पॉइंट तो हमें मिल ही चुका है, दिस इज आर आर पॉइंट. इस आर पॉइंट को क्या करना है बच्चों, यू विल ज्वाइन ओ एंड आर विद द हेल्प ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ये आपने ज्वाइन कर दिया.
इसके बाद यहाँ पर हमें ई पॉइंट और सर्च करना है। ई पॉइंट सर्च करने के लिए आपको पता है कि एम ओ 4.5 सेंटीमीटर जब आपने ड्रॉ किया है तो यहाँ पर ई आर भी तो 4.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ओपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। सो 4.5 सेंटीमीटर आपको मेजर करना है स्केल की हेल्प से, और फिर 4.5 सेंटीमीटर का आप एक आर्क मार्क करेंगे जो कि आर पॉइंट से मार्क होगा किस साइड, इस साइड, इधर की साइड में आपको आर्क मार्क करना है। बच्चों जब आप ये मार्क करेंगे तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज आर पॉइंट नंबर ई। यहाँ पर हम ई पॉइंट लिख देंगे और उसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है, आपको ई और आर को ज्वाइन कराना है। ई और आर को ज्वाइन कराने के बाद यू विल ज्वाइन एम एंड ई, आप एम और ई को भी ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। सो दिस वन इज आर पैरेललोग्राम मोर, एम ओ आर ई। नाउ वी विल राइट डाउन देयर मेजरमेंट ऑल्सो, हम इनके मेजरमेंट भी नोट करेंगे। दिस वॉज ऑफ 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, सो इट मीन्स इट इज ऑल्सो ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। दिस वन डायगनल इज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड दिस डायगनल ई ओ इज ऑल्सो ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, बिकॉज द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए जब ये 7.5 सेंटीमीटर है तो दिस वन इज ऑल्सो ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड ओपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एम ओ इज 4.5 इम्प्लाइज ई आर इज ऑल्सो 4.5, ओ आर इज 6 सेंटीमीटर, दैन एम ई इज ऑल्सो ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो हियर इज अ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। नाउ द फोर्थ पार्ट यू हैव टू ड्रॉ अ रॉम्बस बेस्ट, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। Bye-bye everyone, take care.